कल क्योंकि हमारे प्रभारी पीएल पुनिया जी ने कहा था रुकने के लिए, तो मैं कल यहाँ पर रुका था और आज जाने का था। सर, खबर है कि कल सीएम साहब फिर दिल्ली दोबारा आ रहे हैं और आप दिल्ली में टिके हुए हैं, मतलब जो आपके साथ ढाई ढाई साल के फॉर्मूले वाली बात थी उस पर क्या बातचीत हुई? चूंकि बघेल साहब ने कहा जो पार्टी नेतृत्व तय करेगी उसे मानने को हम तैयार हैं। ढाई साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही, ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था, और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि ढाई साल का कोई फॉर्मूला था या इस प्रकार की कोई बात है, और पार्टी में काम किसको क्या करना ये हाईकमांड तय करते हैं सबसे कंसल्टेशन के बाद, और वो जिम्मेदारियां हम लोग निभाते हैं। सर, टीएस सिंहदेव बाबा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, जनता ने आपके नाम पर वोट किया, आपको मुख्यमंत्री बनना है, बनना चाहते हैं, पार्टी नेतृत्व का क्या रुख है इस पर? अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मन में नहीं आती है, आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर बात सवाल आदमी की सोच का नहीं होता है, सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है, हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं, हमारा हाई कमांड तय करता है कि किसको क्या काम करना। कब तक बनेंगे आप? कोई बनने की बात नहीं है, जिम्मेदारी जो मिले उसको निभाने की। क्या वही मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे? 50 साल रह सकते हैं, 10 साल रह सकते हैं, 2 साल रह सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं रहता। नाराजगी खत्म है, दोनों आदमी के बीच कोई राइवलरी नहीं है, आप मंत्री बने रहेंगे, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। राइवलरी तो भाई 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 बहन बहन में भी होती है, वो कोई ऐसी बात नहीं रहती, स्वच्छ बातें रहती हैं, और कहीं प्रतिस्पर्धा होती है तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाएं भी होती हैं। आप बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री? जो है पार्टी हाईकमान जिम्मेदारी देगी वो निभाना चाहते हैं। मीटिंग है मेरी जानकारी में तो नहीं।